जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। यही सोचकर राजधानी की ममता शर्मा भी स्लम बस्ती में बच्चों और महिलाओं के बीच शिक्षा का अलग जगा रही है। ममता की एक पहल से बस्ती की तकदीर बदलने लगी है। जिस बस्ती में रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, बावजूद वहाँ ककहरे की गूंज सुनाई देने लगी है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें देखकर आप भले ही यकीन ना करें कि ये कोई पाठशाला है, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए ना तो बेंच डेस्क है और ना ही कमरे हैं। बावजूद यहाँ ककहरा पढ़ने वालों का कारवा बनता जा रहा है। नेहरू नगर की रहने वाली ममता शर्मा आज स्लम बस्तियों के लिए नजीर बन चुकी है। अपने 2 साल से ममता यहाँ ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा दे रही है जिनका बचपन गुमराह हो रहा था। बहुत पहले से ही मेरे मन में था कि इनके लिए हम कुछ करें, जो इस शिक्षा से दूर है, जो लाचार है, बेबस है बच्चे, उनके लिए हम कुछ करें। तो ये हमारे बच्चे सारे मिल गए हैं जिनको देख के हम शिक्षा बहुत खुश हैं। और महिलाओं को भी जो जागरूक नहीं है उनको समझाना, सिखाना, जो अंगूठा छाप है उनको पढ़ाना। ममता दीदी आई, हम लोग का पढ़ाती है घर पर और लिखाती है, मम्मियों को फिर पढ़ाती है, पापा फिर दुखी है। हम सब कुछ सीखे हैं। हम लोग बकरी चराते थे पहले, अब ममता दीदी आती है पढ़ाने। हम लोग बकरी भी चराने जाते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं। इस बस्ती के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके बच्चे और महिलाएं भी शिक्षित हो पाएंगी। मैंने ये संकल्प ले लिया है कि बिहार में से गरीबी तो दूर नहीं कर सकते हम, लेकिन शिक्षित जरूर कर सकते हैं उनको। शिक्षा से दूर किसी को नहीं रहने देंगे। इन बच्चों के लिए मेरा ही है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए। ममता शर्मा के इसी जज्बे को देखते हुए ख्वाब फाउंडेशन इन्हें विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। करदा है इंडिया, तुझको सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम, अब्दुल कलाम को सबका सलाम।